जब हम लोग स्कूल आते थे तब हम लोग मैदान के इस पार में रहते थे, उस पार में अगर सर लोग को देखते थे तो यहीं से हम लोग पैदल जाते थे वहाँ पे। ये चीज़ का धीरे धीरे नैतिक पतन होने जा रहा है, ये हमारे परंपरा में नहीं है। ये भारत एक प्रकार के विश्वगुरु कहलाते थे। भारत का संस्कृति, भारत का सभ्यता, ये परंपरा हमारी बहुत बहुत पुरानी परंपराएं हैं। यहाँ पे हम लोग के देश में बाहर से, दूसरे देश से लोग पढ़ने आते थे। जैसे अगर आप लोग बोलेंगे सर कि विश्वगुरु कैसे कहलाते थे, तो आप लोग को बताने मतलब बताएंगे कि किस तरह से हम लोग के भारत विश्वगुरु कहलाते थे। एक छोटा सा उदाहरण देके हम समझाने का कोशिश करेंगे। तो वो दौर जब 1994 में एक राष्ट्रपति थे डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा, वो एक अधिकारी दौरा में ओमान गए थे, एक देश का नाम है ओमान, वहाँ पे गए थे अधिकारी दौरा में। तो वहाँ के जो किंग थे वो खुद वहाँ पे एयरपोर्ट में रिसीव करने आए थे। ऐसे किसी भी देश का प्रोटोकॉल नहीं होता है कि मतलब किंग लोग राष्ट्रपति हो या प्रधानमंत्री हो या कोई भी गेस्ट हो वहाँ पे जाके एयरपोर्ट में मतलब रिसीव नहीं करते हैं, वो किसी गेस्ट को भेजते हैं और रिसीव करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हुआ हमारे राष्ट्रपति के साथ, राष्ट्रपति जी के साथ। वहाँ के जो किंग थे ओमान के, वो खुद जाके वहाँ एयरपोर्ट का जो सीट होता है वहाँ से जाके रिसीव किए थे। और जैसे हम लोग के नेता लोग के या तो मतलब शिक्षक लोग के जो बड़े बड़े पद पे हैं उन लोग के ड्राइवर रहता है, तो वो क्या किए थे कि ओमान के किंग ने ड्राइवर को साइड में बैठा के खुद उस गाड़ी के ड्राइव किए थे जो जिसमें हम लोग के यहाँ के राष्ट्रपति बैठे हुए थे। जब बाद में मतलब मीडिया वालों ने जब पूछा कि सर आप ऐसा क्यों किए, प्रोटोकॉल इतना सारा संविधान का नियम को छोड़ के आप अपना मतलब एक आदमी के लिए क्यों ऐसा किए, आपका तो ड्राइवर है पर्सनल, आपका देश का इज्जत का बात है, तब ध्यान से सुनिएगा क्या रिप्लाई दिए थे। उन्होंने कहा कि जब हम पढ़ाई कर रहे थे, जब भारत में हम पढ़ रहे थे, पुणे में पढ़ाई हो रहा था, तब बोल रहे थे कि वहाँ पे जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ के एक प्रोफेसर थे, प्रोफेसर हम लोग के यहाँ के जो राष्ट्रपति साहब गए थे वहाँ, ये उनका शिक्षक था। तो इस प्रकार से पूरा एक देश का प्रोटोकॉल को छोड़ के एक अपना गुरु के लिए उतना सारा प्रोटोकॉल छोड़ दिए। तो इस तरह से गुरु और शिष्य का प्रेम होना चाहिए, इज्जत होना चाहिए। और आप लोग को मतलब स्टूडेंट लोग को कहना चाहेंगे कि आप लोग अनुशासन को थोड़ा ध्यान दीजिएगा। और एक चीज़ हम बोलना चाहेंगे सर लोग को भी, सर लोग अगर अपना लेवल में पढ़ाएंगे तो आप लोग का लेवल हायर हो जाएगा, और स्टूडेंट लोग भी अगर मतलब अच्छे से मेहनत करके नहीं पढ़ेंगे तो आप लोग का नीचे लेवल रहेगा, ठीक है। तो सर लोग को भी कहना चाहेंगे कि आप लोग भी थोड़ा सा अपना हायर वाला लेवल से थोड़ा सा मीडियम कीजिए, और जो बच्चा लोग नीचे डाउन मतलब नीचे लेवल में है उन लोग एक्स्ट्रा मेहनत करके सर के साथ बराबरी करने की कोशिश कीजिए। और सर लोग मिडिल लेवल से धीरे धीरे अपना लेवल में ले जाने की कोशिश कीजिए। चलिए, मौका देने के लिए थैंक यू, धन्यवाद।